महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के पुरुषोत्तम सागर पर ईदगाह के पास स्थित चवनेश्वर महादेव 84 महादेवों में तीसरे नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भृगु महर्षि के पुत्र चवन ने झेलम के तट पर कई वर्ष तक कठोर तप किया। उनके शरीर के आसपास दीमक ने बांबी बना दी। एक समय राजा शर्याति अपने परिवार के साथ विहार करते वहां आ गए। उनकी सुकन्या नाम वाली पुत्री ने बांबी में दो चमकती आंखें देखी। कोथुवश उसने उसमें कांटे चुभो दिए। इससे चवन ऋषि ने क्रुद्ध होकर शर्याति की सेना का मलमूत्र रोक दिया। पूछने पर शर्याति को ज्ञात हुआ कि उसकी कन्या ने महर्षि की आंखें फोड़ दी हैं। तब राजा चवन ऋषि के पास गया, अपनी कन्या के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपनी कन्या उन्हें पत्नी के रूप में दे दी। राजा अपनी राजधानी को लौट गए। कुछ समय पश्चात चवन के आश्रम में अश्विनी कुमार आए। उन्होंने सुकन्या को नहाते हुए देखा, तब उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि वह शर्याति राजा की पुत्री और चवन ऋषि की पत्नी है। तब अश्विनी कुमार ने सुकन्या से कहा, तुम वृद्ध पति चवन को छोड़कर हम दोनों में से एक को पति बना लो। सुकन्या के मना करने पर अश्विनी कुमार ने कहा, हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे पति को यौवन संपन्न कर देंगे। सुकन्या ने यह बात अपने पति से कही। ऋषि ने यह बात मान ली। अश्विनी कुमार के कहने पर ऋषि ने स्नान के लिए जल में प्रवेश किया। अश्विनी कुमार ने भी जल में प्रवेश किया। नहाने पर वे तीनों एक समान रूप वाले हो गए, परंतु सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया। चवन ऋषि ने भी यौवन प्राप्त करने के पश्चात अश्विनी कुमार को कहा कि मैं तुम्हें इंद्र की सभा में सोमपान करने का अधिकार दिला दूंगा। तब इंद्र ने अश्विनी कुमार पर कोप किया कि उन्होंने सोमरस के लिए अपनी विद्या बेच दी है। तब चवन ने इंद्र का कोप देखकर महाकाल वन में जाकर रामेश्वर लिंग के ईशान कोण में स्थित लिंग की आराधना की। पूजन से भगवान रुद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र के व्रज प्रहार से उन्हें अभय देने का आशीर्वाद दिया। चवन ने इस पर इंद्र को प्रहार करने से रोक दिया। इसी समय लिंग से एक ज्वाला प्रकट हुई। इससे देवता और इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने अश्विनी कुमार को सोमरस पान करने की स्वीकृति दे दी। तब से यह लिंग चवनेश्वर कहलाया। चवनेश्वर का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। पहले तो बाबा जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम ओमप्रकाश शर्मा। आप मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए जरा। राजा अश्विनी कुमार की कृपा से ये चवनेश्वर महादेव, उनकी कृपा से दोबारा जन्म लिया इनने। ये यहाँ समाधि में बैठे हुए थे और राजा और उनकी लड़की शिकार के लिए निकले और उनने देखा कि हैप्पी बर्थडे पर कुछ बैठे हुए हैं, तो उनको एहसास हुआ कि कोई हिरण वगैरह या कुछ है। तो उनने उनकी आंखों में कुछ कांटे वगैरह चुभो के देखा तो खून निकलने लगा क्या। तो वो समाधि में भड़क गए और उन्हें बोला कौन है। उनने उसकी लड़की को शराब दिया, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और उसके बाद में उनका क्या उनने आशीर्वाद दिए थे। उनका पुनः जन्म के बाद में दोबारा मेरा इसका सेवा में लगना चाहिए। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।